मेरा नाम है सौरभ, स्वागत है आपका चैनल एग्जाम गाइड में। पिछले क्लासेस में हमने परसेंटेज, टाइप वन एंड टाइप टू के क्वेश्चन देखे थे। ये रिवीजन लेक्चर है, टाइप वन एंड टाइप टू के कुछ और क्वेश्चन आइए हम इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी इज डिक्रीजेज बाई 20%। कितना परसेंट डिक्रीज किया? 20%। बाई वाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर वुड बी इंक्रीज टू रिस्टोर ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो 20% डिक्रीज किया है, मान लीजिए पहले 100 था, 20% डिक्रीज किया तो कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। अब वापिस से रिस्टोर करना है, मतलब 100 में लाना है, मतलब 20 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20। किसमें से? 80 में से। किसमें से? 80 में से। और इसको परसेंटेज चेंज कर लीजिए, 100 काटिए, 24 जा 80 और 425 जा, तो इसका जो आंसर हुआ 25%। बहुत ईजी है, कुछ भी एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। 100 मानिए, डिक्रीज बाय 20% तो हो गया 80। अब 80 से वापस 100 हो जाना है, तो 20 बढ़ा, अब किससे गए? 80 से, तो नीचे आया, इंटू 100 हो गया आंसर 25%। दूसरा क्वेश्चन है, किसी स्क्वायर का साइड्स को इंक्रीज किया गया 10%। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू ए। तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम यहाँ देख रहे हैं कि दो प्रोडक्ट है। तो हमने टाइप वन डिस्कस किया था फॉर्मूला, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ माइनस डिक्रीज के लिए, इंक्रीज के लिए प्लस हुआ था, तो यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट? 10%। तो 10% डिक्रीज हुआ, 10 फिर इंक्रीज हुआ, कितना? 10%, क्योंकि दो बार साइड इंटू करते हैं ए इंटू ए, और फिर 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। ये 10, 10, 20 और ये 21%, तो इसका आंसर हुआ 21%। तो जो नेट इंक्रीज होगा एरिया में वो होगा 21%। सारे टाइप वन टाइप टू वाले क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर देख रहा हूँ, फार्मूला सेम है, आपको बस देखना है कि फार्मूला कहाँ फिट होगा। क्वेश्चन के टाइप वाइज देखते जाइए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि शुगर के प्राइस में इंक्रीज हुआ कितना? 20%। तो इंक्रीज के लिए क्या? प्लस 20%। तो मैन ने अपना कंजप्शन डिक्रीज किया कितना? 10%। तो डिक्रीज के लिए क्या? माइनस 10। प्लस माइनस होता है माइनस, 20 × 10 डिवाइडेड बाय 100। 20 में से 10 गया 10, ये हो गया 2, 10 × 2 हो गया, बचा 8%। इसका मतलब हुआ जो नेट इंक्रीज हुआ वो 8% इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लस में आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। आप क्वेश्चन के टाइप को देखते हुए चलिए, एग्जाम में आपको ज़्यादा समय नहीं लग गया, बिल्कुल 10 सेकंड में 5 सेकंड में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। माइनस होता है डिक्रीज के लिए, प्लस होता है इंक्रीज के लिए।